हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपकमिंग स्मार्टफोन्स मई के महीने में। तो बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं मई के महीने में, तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना और काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। और मेरा नाम है विनय आचार्य और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विनचारी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस की। तो ऐसे हमको पता है कि वन प्लस का जो है 7, 7 प्रो और इसके साथ 7 5G, तो तीन वेरिएंट जो है यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं। तो काफ़ी कमाल के स्मार्टफोन्स है और ये आपको 50,000 के अंदर देखने को मिलते हैं और इनके प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 चिपसेट मिलता है और पॉपअप सेल्फी देखने को मिलती है। तो ये जो है वो लॉन्च होने वाले हैं मई 14 को, तो काफ़ी बढ़िया होंगे, देखते हैं बाद में हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगले स्मार्टफोन आते हैं आसूस की तरफ से, आसूस ज़ेनफोन 6 और 6Z। तो ऐसे में ये स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च होने वाले हैं मई के महीने में और काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स होने वाले हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि आसूस ज़ेनफोन 5Z और 5 जो था वो काफ़ी बढ़िया थे और काफ़ी कमाल जो है वो बिक चुके थे। तो ऐसे में ये भी जो है 6 और 6Z वो भी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो देखते हैं जब ये लॉन्च होता है तो क्या क्या इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं गेमिंग स्मार्टफोन्स की। तो यहाँ पर न्यूबिया की तरफ से आने वाला है न्यूबिया रेड मैजिक 3। तो ऐसे में ये इस महीने में लॉन्च होने वाला था पर ये कुछ लीक ही नहीं हुआ है, तो ऐसे में मुझे लगता है ये शायद अगले महीने में यानी कि मई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया गेमिंग के स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे इस मई के महीने में। और ये जो न्यूबिया रेड मैजिक 3 है वो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी जिससे की वजह से आप जो है गेमिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो दोस्तों अगला गेमिंग स्मार्टफोन आता है शाओमी की तरफ से, शाओमी ब्लैक शार्क 2। तो ऐसे में ये भी इस महीने के अंदर लॉन्च होने वाला था पर इसका कोई नामो निशानी नहीं है, तो ये मुझे लगता है शायद से आपको मई के महीने में इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन होगा न्यूबिया रेड मैजिक 3 की तरह। इसमें आपको 855 वाला चिपसेट मिलता है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती है जिससे आप गेमिंग अच्छी कर सको। तो दोस्तों अभी बात करते हैं ओप्पो की, यानी कि ओप्पो ने अपना रेनो और रेनो लाइट और जो 10x जूम वाला है वो जो है वो लॉन्च कर दिया था पिछले महीने में, पर वो जो है इंडिया में लॉन्च नहीं हुए अभी तक। तो ऐसे में मुझे लगता है ये मई के अंदर आपको ज़रूर से देखने को मिलेंगे और काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन्स हैं। इसमें आपको एक डिफरेंट ही पॉपअप सेल्फी जो है देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं ट्विन शार्क। तो ऐसे में यहाँ पर ओप्पो रेनो लाइट और इसके साथ जो 10x जूम वाला है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगले स्मार्टफोन आते हैं हॉनर की तरफ से, हॉनर 20 सीरीज। तो हॉनर 20 सीरीज काफ़ी बढ़िया होने वाले, इसके अंदर आपको 5-6 स्मार्टफोन जो है देखने को मिलेंगे। तो शायद से हॉनर 20, 20 प्रो, 20 लाइट और पता नहीं क्या क्या होंगे। तो ये काफ़ी कमाल की सीरीज़ होने वाली है और इनके जो डिज़ाइन और डिस्प्ले होते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो देखते हैं जब ये लॉन्च होता है तो क्या क्या नई चीज़ें लेकर आते हैं। तो दोस्तों अगला स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी U2। तो ऐसे में हमें पता है कि रेडमी ने अपना Y3 32 मेगापिक्सल वाला जो है स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसमें आपको सेल्फी मिलती है 32 मेगापिक्सल की। तो यहाँ पर रियलमी भी कुछ कम नहीं है, अभी रियलमी अपना U2 लॉन्च करने वाला है मई के महीने में जिसमें भी आपको काफ़ी बढ़िया सेल्फी देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स स्पेसिफिकेशन ये स्मार्टफोन लेकर आता है जब ये लॉन्च होता है। तो दोस्तों अगले स्मार्टफोन आते हैं नोकिया की तरफ से, नोकिया 9 प्योर व्यू और इसके साथ नोकिया X71। तो ऐसे में जो नोकिया 9 प्योर व्यू है वो काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था पर इंडिया में ये अभी तक आया ही नहीं है, तो मुझे लगता है शायद से मई के अंदर आपको इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 5 जो है कैमरा देखने को मिलते हैं पीछे और काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। और इसके साथ जो नोकिया X71 है इसका नाम शायद नोकिया 8.1 प्लस भी हो सकता है, तो देखते हैं कि किस नाम से जो है नोकिया X71 इंडिया के अंदर आ सकता है। तो ये कुछ श्योर नहीं है तो मैंने ऐसे ही पिक किया है। तो दोस्तों अगले स्मार्टफोन आते हैं शाओमी की तरफ से, यानी कि शाओमी का MIA 3। जी हाँ, तो काफ़ी दिनों से लोग वेट कर रहे हैं कि ये स्मार्टफोन कब आएगा, तो फाइनली जो है ये स्मार्टफोन आपको मई के अंदर देखने को मिलेगा। और कल ही लीक आ चुके हैं कि इसमें जो है आपको स्नैपड्रैगन वाला 730 जो है प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। वैसे कैमरा का स्मार्टफोन होता है यानी कि कैमरा बहुत ही बढ़िया मिलता है आपको इसमें, तो देखते हैं जब ये लॉन्च होता है। तो दोस्तों अगले स्मार्टफोन आते हैं शाओमी की तरफ से, यानी कि Redmi 7A और Redmi का जो एक फ्लैगशिप है वो। तो ऐसे में मुझे लगता है जो फ्लैगशिप होगा वो होगा शायद से Poco F2, और मैंने Poco F2 पर एक वीडियो बनाया तो वो भी आप जाके देख लेना, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। और जो Redmi 7A है वो भी शायद से इस महीने के अंदर लॉन्च हो सकता है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है।
अभी बात करते हैं सैमसंग की तरफ से, यानी कि सैमसंग का जो M40 है और सैमसंग A80। वैसे में जो सैमसंग गैलेक्सी A80 है वो लॉन्च हो चुका था इस महीने के अंदर, पर वो इंडिया में अभी तक नहीं आया है, तो ये शायद आपको मई के अंदर जो है आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको काफ़ी बढ़िया स्लाइडिंग कैमरा मिलता है, और जो सैमसंग गैलेक्सी M40 है इसके तो अभी लीक से आ रही है, तो वो आपको शायद से मई के अंदर यानी कि मई के एंड में देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है सैमसंग की तरफ से। तो दोस्तों सबसे लास्ट स्मार्टफोन आते हैं गूगल की तरफ से। जी हाँ, तो ऐसे में ये भी अभी जो है गूगल बजट स्मार्टफोन लाने वाला है, तो ऐसे में यहाँ पर गूगल की तरफ से गूगल 3 और 3 XL ये दो स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सिर्फ सिंगल रेयर कैमरा मिलता है, पर वो सिंगल रेयर कैमरा काफ़ी अच्छा होता है। गूगल के स्मार्टफोन आपको अपडेट जो है वो बहुत ही तेज़ी से देते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो देखते हैं कि कब जो है वो लॉन्च होते हैं, और मुझे लगता है शायद से स्टार्टिंग के मई में आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे होंगे स्मार्टफोन फोन्स बजट में। तो देखते हैं कब ये लॉन्च होते हैं और क्या क्या फीचर स्पेसिफिकेशन लेकर आते हैं। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स थे एज़ कम्पेयर टू पिछले महीने, तो आप क्या सोचते हैं, आपको कौन से पता है कि और ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, वो मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बता देना। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बस इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपकी कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।